इंदौर के द्वारकापुरी पुलिस ने एसडीएम राव की टीम के साथ मिलकर ऐसे दो आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है जो फर्जी तरीके से वोटर आईडी, फर्जी प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज बनाने का काम कर रहे थे। दरअसल एसडीएम राव प्रद्युमन सिन्हा को लगातार शिकायत मिल रही थी कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में सृष्टि फोटोकॉपी की दुकान पर फर्जी वोटर आईडी, फर्जी प्रमाण पत्र के साथ फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, जिस पर एसडीएम ने अपनी टीम के साथ द्वारकापुरी पुलिस के साथ मिलकर जब दबिश दी तो मौके पर दो लोग, एक दुकान मालिक प्रदीप, एक कर्मचारी नरेंद्र द्वारा कंप्यूटर पर फर्जी तरीके से वोटर आईडी, फर्जी प्रमाण पत्र के साथ कई दस्तावेज बनाए जा रहे थे। वहीं पुलिस ने दुकान मालिक प्रदीप के साथ कर्मचारी नरेंद्र को गिरफ्तार कर दुकान से कंप्यूटर, लैपटॉप व अन्य फर्जी दस्तावेज जब्त कर कई धाराओं में केस दर्ज किया है। एसडीएम साहब राव जो है उनको कल सूचना मिली थी कि शांतिनाथपुरी में सृष्टि फोटोकॉपी के यहाँ जो है नकली आधार कार्ड बन रहे हैं, वो उसी सूचना पर उन्होंने अपनी टीम भेजी थी और वहाँ के जो मालिक था ब्रह्मानंद उर्फ प्रदीप शर्मा और नरेंद्र सिरसाट, इनको जो है उन लोगों ने पकड़ा है और उससे जो है लैपटॉप और नकली आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो दस्तावेज हैं, सीपीयू वगैरह जब्त किया है, मोबाइल जब्त किया है और उसकी जो है एफआईआर हमारे यहाँ कराई है, जिस पर कि अपराध धारा 420, 466, 67, 68, 71, 120 बी भादावी के मुकदमा कायम किया गया। सर, आपको से पूछताछ में क्या सामने आया, कितने लोगों का आधार कार्ड बना चुका है और क्या कितना पेमेंट लेता था एक आधार कार्ड बनाने में? ये करीब 1300-1500 रुपए लेता था एक आधार कार्ड बनाने का, अभी तक जो जानकारी मिली है, बाकी अभी पूछताछ चल रही है। सर, कोई रिकॉर्ड भी सामने आया? हाँ, वो कुछ जो है रिकॉर्ड भी जब्त हुई है।